वजीर आजम इमरान खान वजीर आला पंजाब के मामले पर डट गए हैं। वजीर आला पंजाब के लिए उस्मान बुज़दार के नाम पर कायम हूँ, वजीर आजम का ट्विटर पैगाम। कहा कि मैंने उस्मान बुज़दार को ईमानदार आदमी पाया है। लियाकत अंसारी से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा इमरान खान को ये ट्वीट करने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या पार्टी के अंदर से किसी ने कहा है या सोशल मीडिया का प्रेशर रहा? अजी सरदार उस्मान बुज़दार जो है उनकी नामजदगी के बाद सूरत हाल ये सामने आई कि मीडिया ने उनके हवाले से मुख्तलिफ जो इल्जाम इतलात नैब केसेस और उनके कत्ल के हवाले से कत्ल के मुकदमात और दूसरे मुकदमात जो हैं उसके हवाले से जब FIR सामने आई तो एक ऐसी फिजा बनी कि वो मुतनाज़ शख्सियत की हैसियत से सामने आए। बहरहाल इमरान खान जो है उन्होंने अपने नामजद उम्मीदवार के साथ खड़े होने का ऐलान किया और डट गए इस मामले पर। इमरान खान ने अपना वाज तौर पर ट्वीट में कहा है कि वो उस्मान बुज़दार की जो नामजदगी है इस मामले पर बड़े वाजे हैं और वाजे तौर पर ये कहना चाहते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने दो हफ्ते के गौर और फिक्र के बाद और मुशावरत के बाद ये फैसला किया और उस्मान बुज़दार को इंतहाई दयानतदार पाया, उनको जो है नजरिया पाकिस्तान जो नया पाकिस्तान है उसके नजरिए का हामी पाया और पार्टी का वफादार कारकुन पाया, इसलिए उनकी नॉमिनेशन हुई है। और इमरान खान ने इस मामले पर किसी किस्म के भी जो है वो माजरत खाना रवैया अख्तियार करने के बजाय डट कर कहा है कि उनके यही उम्मीदवार हैं और वो उनके साथ खड़े हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ही होंगे ये कहना है वजीर आजम इमरान खान का। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी।